दोस्तों नमस्ते, चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हम लोग जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करने वाले हैं, 15 मई का जो रीडिंग है, जो सर्कल था, राउंड था, उसमें जिनका सिलेक्शन है उसकी आज हम लोग फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग करने वाले हैं। और जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग है वो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका होगा, 15 मई का जो राउंड है उस पर होगा। आप लोगों को जैसे पता ही है जी कि मैं फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग में 15 दिन का राउंड चलाता हूँ और 5-6 दिनों में कोशिश करता हूँ उसके बाद रीडिंग देने की। व्हाट्सएप जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है उस पर फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे सकते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि व्हाट्सएप पे ही मैसेज डालिएगा, क्योंकि जब मैं फ्री होता हूँ तभी आपको रिस्पांस दे पाता हूँ। तो पर्सनल रीडिंग या फ्री रीडिंग करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जो नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग वाले भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ऑब्वियसली चार्जेबल होती है, और फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग जो होती है वो फ्री होती है, लेकिन उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और जिनका सिलेक्शन होता है उनके दो सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करता हूँ। कॉल पर इंटरटेन नहीं किया जाता है, व्हाट्सएप पर ही इंटरटेन किया जाता है फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग वालों को। आगे यही बोलना चाहूँगा जी कि रीडिंग करने से पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मैं सबकी रीडिंग नहीं कर पाता हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को अपने हिसाब से, अगर आप पहली बार एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं या आप अभी नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी मदद करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप जो YouTube में वीडियोस आते हैं, YouTube में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को बताते हैं, तो आप लोगों को जो बताते हैं, आप लोगों को आपकी राशि के हिसाब से जो बताते हैं, उसमें आप लोगों को क्या देखना होता है? अगर आप ऐसे कैलकुलेट करने बैठे हैं, तो हमारे भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ को अगर हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो कम से कम 10-12 करोड़ लोग एक राशि में आ जाते हैं। तो हम लोगों को एक साथ में अगर हम सोचें जी कि 10-12 करोड़ लोगों की राशि में एक राशि के बारे में कुछ अगर वो बता रहे हैं, तो वो क्या सब पे एप्लीकेबल होगा 10-12 करोड़ लोगों के लिए? शायद नहीं होगा, कुछ परसेंटेज होगा, लेकिन पूरा फुल फ्लेज वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोगों को अपनी लगन कुंडली को ध्यान पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको गोचर, जो ट्रांजिट के हिसाब से वो जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं, उसको ध्यान पे रखना पड़ेगा, और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालने की आप कोशिश करिएगा। अब आप पूछेंगे जी कि कैसे ये काम कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को साल का हिसाब बताते हैं या ट्रांजिट के हिसाब से आपको बताते हैं, ट्रांजिट मतलब गोचर, मतलब एट प्रेजेंटली जो प्लैनेट किस पोजीशनिंग पे बैठे हैं उस हिसाब से वो जो बताते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जी कि वो जो बता रहे हैं वो ट्रांजिट के हिसाब से बता रहे हैं, वो आज वो प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ उसके हिसाब से बता रहे हैं। अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में आपके हिसाब से अच्छा है, ठीक है, तो वो प्लैनेट अगर गोचर में अच्छा है तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, उस हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो प्लैनेट आपकी कुंडली में खास अच्छी पोजीशनिंग पे नहीं है, लेकिन गोचर में अच्छा काम कर रहा है, महादशा उसकी अच्छी चल रही है या अंतरदशा उसकी अच्छी चल रही है, तो भी वो आपको 50-60% अच्छा रिस्पॉन्स दे जाएगा। लेकिन उसके खराब फल, अगर वो किसी खराब घर पर बैठा है तो उसके खराब फलों का रिजल्ट भी वो ज़रूर देगा, उसके साथ में ही देगा। अगर गोचर में कोई प्लैनेट है जो अच्छे पोजीशनिंग पे नहीं है, और आपकी महादशा में भी अगर वो प्लैनेट नहीं चल रही है, अंतरदशा में भी वो प्लैनेट का कोई रिलेशन नहीं है, महादशा में नहीं है, और आपकी कुंडली में लेकिन वो अच्छी पोजीशनिंग में बैठा हुआ है, और महादशा में अगर फर्ज कीजिए नहीं है अच्छा, और कुंडली में अच्छी पोजीशनिंग में बैठा है, तो भी आपको ये प्लैनेट अपना असर ज़रूर देगा जब उसकी महादशा अंतरदशा आएगी। और अगर उसकी महादशा अंतरदशा नहीं आती और प्लैनेट अच्छा असर अच्छी पोजीशनिंग में नहीं बैठा, गोचर मतलब प्रेजेंट ट्रांजिट में, लेकिन आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है, तो भी आपको अच्छा रिजल्ट ही देगा वो प्लैनेट। हो सकता है उसके अच्छे रिजल्ट में थोड़ी सी कमी हो जाए, लेकिन जब जब वो आएगा या जब जब उसकी बारी आएगी आपको रिजल्ट देने की, वो अच्छा रिजल्ट देगा। साथ में अगर आपकी कुंडली में गोचर में प्लैनेट अच्छा नहीं बैठा, आपकी महादशा अंतरदशा उसी प्लैनेट की चल रही है, लेकिन आपके साथ में आपकी जो कुंडली है उसमें भी वो प्लैनेट अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो आपको गोचर कुंडली की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। 80% आपको प्लैनेट अपना असर अच्छा देगा, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं देगा। गोचर कुंडली प्रेजेंट ट्रांजिट सिर्फ 20% अफेक्ट करेगा,
अगर आपकी कुंडली में प्लैनेट अच्छी पोजीशनिंग में बैठा और महादशा अगर अच्छी है तो। हाँ जरूर ये हो सकता है जी कि पूरा फुल फ्लेज आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे, क्योंकि वो खुद अपनी पोजीशनिंग पे एट प्रेजेंटली अच्छा नहीं है आपकी कुंडली के हिसाब से। अब बात ये करते हैं कि अगर कुंडली में आपको ट्रांजिट के हिसाब से अपना राशिफल या अपना अपने बारे में कुछ जानना है तो आप कैसे देखेंगे। देखिए आपकी कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, मतलब आपकी कुंडली में जहाँ पे भी एम ओ लिखा है, एम फॉर महाराष्ट्र, ओ फॉर ऑरेंज, मतलब एम ओ जहाँ लिखा है वहाँ मून, उसका मतलब ये है शॉर्ट में आपकी कुंडली में वहाँ मून बैठा हुआ है। जहाँ आपका मून बैठा है उस घर का नंबर नोट कर लीजिए, उस घर का जो नंबर है, जैसे अगर चंद्रमा नंबर 1 पे बैठा है तो एरीज लगन में बैठा हुआ है, तो आपकी चंद्र राशि एरीज हो जाती है। आपको जब भी गोचर का फल अपने बारे में जानने का होता है, क्योंकि जब तीनों चीज़ें अच्छी होती हैं, अगर फर्ज करिए कि गोचर भी अच्छा है उस प्लेनेट का, आपका महादशा भी अच्छी चल रही है, पतेंतर भी अच्छी चल रही है और आपकी प्लान पोजिशनिंग भी उस प्लेनेट की अच्छी है, तब आपको इस पूरे प्लानिटरी पोजीशनिंग की बहुत अच्छा फल मिलता है। 90-100% का आपको पूरा फल मिलता है। ऑब्वियसली पत्यंतर होता है, उसके बाद बहुत सारे सूक्ष्म दशाएं होती हैं, उसकी वजह से कुछ असर कम रहती हैं, हमेशा रहती है, किसी को भी फुल फ्लेज असर अच्छा नहीं मिलता, नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी को भी 100 नंबर नहीं मिलता है। अगर 100 नंबर किसी को मिलता है तो अगर 100 नंबर किसी को मिल जाए तो वो तो पास हो जाएगा ना इस दुनिया से, तो सिंपल लॉजिक है, उसे इस दुनिया से जो चीज़ें चाहिए। हाँ आपकी मन की तृप्ति हो सकती किसी चीज़ से, लेकिन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर कमी रहेगी। अगर कमी नहीं है ज़िंदगी में, सब कुछ मिल चुका है ज़िंदगी में, तो आपको कुछ सबक सीखने के लिए भी ज़िंदा रहना पड़ेगा। हो सकता है ऊपर वाला सबक सिखाने के लिए ज़िंदा रख रहा है। तो बहरहाल इस बात पर नहीं जाता हूँ, सिर्फ इतना बोलता हूँ कि आप जब प्रेजेंट आप जब साल का हिसाब लेते हैं या और एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष आपको कुछ बताता है तो उसमें आप कोशिश करिए कि जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसके हिसाब से आप लगन को देखिए और उस लगन के हिसाब से आप अपने आप को अपने जो राशि का फल है वो आप अपने जो साल का है या असर है उसको आप 20% या 50% जो भी आपको लगता है उसको उस हिसाब से रीड कर सकते हैं। ठीक है, चंद्रमा जिस रूम में बैठा है तो। बहरहाल अब जो फ्री कुंडली चार्ट रीडिंग है उसमें जिनकी जिनकी रीडिंग हुई है उनकी रीडिंग शुरू करता हूँ। जो पहली रीडिंग है वो है लेखी जी की, लिखिता की है। लिखिता के 2 सवाल हैं। एक उनका सवाल है कि रिलेशनशिप में अभी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। दूसरा वो अपनी एजुकेशन और फ्यूचर के रिगार्डिंग पूछे कि वो कॉमर्स साइड से हैं और उनको ये पूछना चाहिए, उन्होंने मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में उन्होंने अपनी फर्दर एजुकेशन ली है या ले रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए। देखिए आप जो डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन ले रही हैं उसका रीज़न ये है क्योंकि बुध अभी आपकी मंगल की महादशा में राहू की अंतरदशा लग गई थी और राहू की जो अंतरदशा है वो मई के महीने तक चल रही है, मई 24 तक चल रही है। तो अभी जो आप एजुकेशन ले रहे हैं वो राहु की वजह से ले रहे हैं क्योंकि राहु कम्युनिकेशन और एयर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है या एयर को रिप्रेजेंट करता है, वॉलिटिलिटी को रिप्रेजेंट राहु करता है। आपका राहु, आप पहली बात तो है आपका जो लगन है वो कुंभ लगन है, एक्वेरियस लगन है और आपके राहु सेकंड हाउस में जाके मतलब गुरु के घर में जाके बैठ गया और गुरु भाग्य स्थान में जाके बैठे हैं जो कि अच्छा बात है और भाग्य स्थान का मालिक शुक्र जो है वो खुद छोटे भाग्य स्थान मतलब 5वें पंचम स्थान में बैठे हैं जो कि बहुत अच्छा है। अब बात ये करते हैं जी कि अगर आप ये पूछें कि आपको कम्युनिकेशन से, देखिए आपकी जो अभी महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, आप जो भी काम करेंगी वो आप अगर कंस्ट्रक्शन या आप कोई सर्विस रिलेटेड काम करती हैं या आप कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड काम करती हैं तो आपके लिए अच्छा है, या ज़मीन से रिलेटेड कुछ काम करती हैं अगर इन सब चीज़ों में अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप अगर अभी अभी स्टार्टिंग जॉब कर रही हैं तो अगर आप अपनी जॉब के एक्सपीरियंस से हो सकता है जबकि फ्यूचर में आप अपने बिजनेस या जॉब कम बिजनेस में चली जाए जिसमें आप दोनों चीज़ें कर सकें, तो इस वजह से आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। राहू के सेकेंड हाउस में बैठने के कारण, कम्युनिकेशन घर के घर में बैठने के कारण आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्मार्ट होगी। जैसे कि आपने सवाल भी जिस तरीके से पूछा है उसमें आपका जो कम्युनिकेशन है वो मुझे दिखाई दे रहा है जबकि आप बहुत तरीके से सवालों में एक सवालों में कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। तो सवाल जो राहु का ये जो
पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस चीज को आप फोकस करके रखिएगा। राहु अभी मई के महीने के बाद निकल जाएगा, लेकिन गुरु आएगा जो कि अच्छा है, मंगल आपके लिए अच्छा है। आप अपनी जिंदगी में कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेस करिए, आप कुछ भी काम करते हैं उसमें अगर आप सोवरली और पोलाइटली अपनी एजुकेशन को बढ़ाते चले जाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए, और ऑनलाइन और मीडिया रिलेटेड कुछ भी काम करिए या सर्विसेज कुछ ऐसा करिए जो एयर रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन रिलेटेड हो, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसी चीज़ों में एजुकेशन भी लेंगी तो अच्छा रहेगा। अभी स्ट्रगल लग सकता है क्योंकि आपके जो आपका जो लग्न है वो डाउन है, आपने उसके बारे में पूछा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, तो दो सवालों में सिर्फ यही बोलूंगा, लग्नेश आपका डाउन है तो लग्नेश को मजबूत करिए, शनि आपका लग्नेश है, इससे आपकी पर्सनल पर्सनैलिटी ग्रोथ अच्छी होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी शादी को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके। पहला पॉइंट तो यह है कि आप रिलेशनशिप में जरूर जा सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप में जाने के बाद आपके लिए रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर डिससेटिस्फेक्शन और कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहेगी, और कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस या लाइबिलिटी बढ़ने के चांसेस बनते हैं। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में ना चले जाएँ जहाँ पर आपके भाग्य का मालिक आपके भाग्य का मालिक जो है वो पांचवें स्थान में बैठा है, तो कहीं ना कहीं कहीं आप या आप उनसे इन्हीं चीज़ों की वजह से आप जा रही हो कि उनसे कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हो और उनके ऊपर लाइबिलिटी बन रही हो, या उनको मेंटल स्ट्रेस दे रही हो, या आप खुद पे मेंटल स्ट्रेस या लाइबिलिटी ले रही हैं, तो इन सब चीज़ों से बचने की कोशिश करिएगा। आप मांगलिक है, आप लव मैरिज या मैरिज के रिलेटेड अगर ये सवाल, ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके पेरेंटल अप्रूवल के साथ आप अगर पसंद की लोगों के साथ रिलेशनशिप या अगर शादी का सोच रही हैं करें तो बेहतर रहेगा। आप मांगलिक है, उसको भी आपको लुकआउट करना पड़ेगा अपने मांगलिक जो आपका जो असर है, तो मांगलिक से ही आप शादी करें, और आप भयंकर मांगलिक है तो सॉलिड वाली मांगलिक हैं, आपके लग्न के हिसाब से आप काफ़ी अच्छी मांगलिक हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और पिता से रिलेटेड कुछ भी, अगर पिताजी अगर आपके पिता हैं, अभी मेरे हिसाब से अगर पिता हैं तो उनसे आप अप्रूवल लेके ही, मतलब पेरेंटल अप्रूवल में पिता का अप्रूवल ज़रूरी है, और शादी के बाद पिता के हेल्थ के रिगार्डिंग भी इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है, उसको भी ध्यान पे रखिएगा। मांगलिक से ही शादी करिएगा, बिना मांगलिक के शादी मत करिएगा। अपने पसंद के लोग से आप शादी करिएगा, वो अच्छा सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बोलूँगा कि शादी और रिलेशनशिप में संभल के चलिए, अभी अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करेंगी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि रिलेशनशिप और इसमें कहीं ना कहीं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपको मोटिवेट डीमोटिवेट करने के भी काम कर सकता है, तो इससे अगर आप बच के रहेंगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपका महादशा मंगल की चल रही है, इस वक्त शादी के चांसेस जरूर बनेंगे, लेकिन इस वक्त आप अपने आप को ग्रोथ भी ले सकती हैं। कंपिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप कोई बैठ रही हैं और कोई अगर जॉब ढूंढ रही हैं कंपिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, तो भी आपको इसमें फायदा मिलेगा। बहरहाल ये आपकी रीडिंग थी लेखी जी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद या समझ में आया होगा। आपकी उम्र काफी अभी आपकी एज काफी कम है, आप अभी मेहनत करते रहिए, अभी रिलेशनशिप को लेकर ज्यादा प्लीज मत सोचिए, ठीक है। दूसरी राशि जो है वो राशि की है, मतलब दूसरी जो कुंडली है राशि जी की है, शायद मिस पवार की है। इनके जो इनकी एज अप्रॉक्सीमेटली 30+ है। मिस पवार, आपने जो मुझसे सवाल पूछा है उसमें आपने मुझसे एक सवाल पूछा, पैसा जो आप कमाना चाहते हो इंडिपेंडेंटली कमाना चाहते हो और कैसा आपका पैसा होगा। देखिए आपकी राशि में पहला सवाल जो आपका है उसमें आपने पैसे के रिगार्डिंग पूछा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपने पूछा, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम और मनी रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मनी रिलेटेड इशू में आपका ये है कि 11वें घर में आपके 3 प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य, गुरु और शुक्र। 11वें घर में अगर 3 प्लैनेट बैठे हैं, तीनों प्लैनेट बहुत अच्छा असर करते हैं, 11वें घर में तीनों प्लैनेटों का असर अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है जो कि शुक्र यहाँ पे डाउन है, और शुक्र की महादशा आपकी चल रही है 2008 से लेकर 2028 तक शुक्र की महादशा चल रही है, और इस वक्त भी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2028 तक शुक्र की महादशा चलेगी। शुक्र 11वें घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको जो पैसा आता है उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, या आपको जो पैसा आता है वो जिस तरीके से आता है उस तरीके से आप खुश नहीं है,
आया, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, या जो आपका पैसा आता है वो लग्जरी में इस्तेमाल हो जाता है या वेस्ट हो जाता है, जो चीज़ आपको मिलती है वो उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है, जो आप लग्जरी डिमांड करते हैं उस लग्जरी के हिसाब से वो पैसा आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर डाउन है और ज़िंदगी भर के लिए यहाँ पर शुक्र डाउन है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं लग्जरी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती होगी, या कोई ना कोई आपको डिससेटिस्फैक्शन रहता होगा, मिलता है लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है या ख़त्म हो जाता है, कुछ ऐसा होता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं आपको यहाँ पे आपकी आपसे बात कर पाता हूँ तो फ्री कुंडली चार्ट में बात नहीं होती है, इसलिए इतने अच्छे तरीके से मैं बता नहीं पाऊँ, शायद हो सकता है मेरे बताने में कुछ गड़बड़ी हो सके, लेकिन आपका शुक्र टाउन है यहाँ पे, इसलिए आपको एक ही चीज़ बोलूँगा जी कि आप माता की माँ सरस्वती सॉरी माफ़ कीजिए माँ शक्ति माँ काली माँ दुर्गा का कुछ आह्वान कीजिए, कुछ जो यंग लड़कियाँ होती हैं उनको आप कुछ भोजन वगैरह कराइए या उनकी मदद करिए, तो आपके लिए शुक्र ये मजबूत होगा, आपका वीनस आपका स्ट्रांग होगा, अगर किसी को कुछ ज़रूरत होती है फीमेल ओरिएंटेशन में आप जाइए, किसी फीमेल्स को कुछ मदद करने की अगर कोई ज़रूरत होती है आपके जान पहचान में तो उनको मदद करने की कोशिश करिए, आपका शुक्र मजबूत होगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि शुक्र लग्जरी का डिनोशन देता है, तो पैसे कमाने के का फ़ायदा क्या अगर आप लग्जरी उसको अच्छे से भोग ना कर पाए, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन मिले या कहीं प्रॉब्लम हो, अगर नहीं है तो कुछ फिर तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये उपाय कर लीजिएगा शायद बेहतर हो। अब आपका जो दूसरा सवाल था जी कि इंडिपेंडेंट इनकम कैसे होगी, देखिए इनकम तो आपकी होती है क्योंकि शुक्र है यहाँ पे बिजनेस मतलब सातवें घर का मालिक है और शुक्र है यहाँ पे बारहवें घर का मालिक है, तो कहीं ना कहीं खर्चे से इनकम मतलब कहीं ना कहीं आपको इनकम होती है लेकिन वो खर्चा होता है, कहीं लॉस होता है वो अलग पॉइंट है, लेकिन होता है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे लगता है इनकम आती है कहीं और से आती है, हो सकता है बड़े भाई बहन से कुछ आती हो या किसी और से आती हो या फादर के थ्रू आती हो, होती है या पेरेंटल पैसा आता हो जो भी है। अब आपने ये पूछा इंडिपेंडेंट इनकम कब होगी, तो इंडिपेंडेंट इनकम आपकी साथ 2028 से लेकर 2034 के बीच में एक महादशा जो चलेगी वो सूर्य की चलेगी, शुक्र के बाद जब सूर्य की महादशा आपकी लगेगी उस वक्त आप इंडिपेंडेंट काम कर पाएंगी, आप कोई जॉब कर पाएंगी, अपनी अपनी जॉब के बेसिस में आपको कुछ ना कुछ इनकम ज़रूर मिलेगा, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है, या आपको बेनिफिट मिलेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं अगर आप इस वक्त में ट्राई करेंगी तो, क्योंकि पंचम दसवें घर का मालिक होके सूर्य दसवें घर का मालिक होके ग्यारहवें घर में बैठा हुआ है, ये आपके लिए लाभकारी है। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा वो शादी के रिलेटेड पूछा कि व्हेन विल हैपन, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, शादी के रिगार्डिंग मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन आपकी कुंडली यहां पे ये कहती है जी केतु आपके सातवें घर में बैठा है, यहां पे आप जरूर चाहती हैं शादी करना, लेकिन शादी से आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा, हस्बैंड या रिलेशनशिप से आपको कहीं ना कहीं लॉस दिखाई देता है, सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा देता, दूसरा आप किसी से भी अगर शादी करती हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके आप उनके साथ कम्फर्टेबल लेवल जो है वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि केतु के सातवें घर में बैठने के कारण कहीं ना कहीं ये डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है, डिटैचमेंट दिखाता है और शादी के घर से डिटैचमेंट ज़रूर दिखाता है, पर्सनल लाइफ में डिटैचमेंट दिखाता है, और आप राहु और केतु के ऐसी कम्युनिकेशन होने के ऐसी सेटिंग की वजह से मैं ज़रूर ये बोलूँगा जी कि यहाँ पर दिक्कत है। एक चीज़ यहाँ पर अच्छी है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ जी, हाँ तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि के कारण हो सकता है जी कि अगर आप शादी कर भी लें तो आप कई सारी दिक्कतों के साथ भी उस शादी को कंटिन्यू रखें या डिटैचमेंट के साथ कंटिन्यू रखें सिर्फ और सिर्फ गुरु की दृष्टि के कारण, लेकिन गुरु की दृष्टि के कारण आप अनहैप्पी लाइफ जिए उससे बेहतर है जी कि आप अगर शादी ना करें या आप इन सब चीज़ों में शादी ना करके अगर आप पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ काटना चाहें तो, लेकिन हाँ अगर आप करती हैं तो गुरु की दृष्टि आपकी शादी को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, अगर गुरु की दृष्टि से आपकी शादी बच जाती है तो अच्छा है, आप मांगलिक भी हैं और मांगलिक होने के कारण आपको किसी मांगलिक से ही शादी करना अच्छा रहेगा। लव मैरिज करेंगी या अरेंज मैरिज, अगर अभी ढूंढती हैं तो लव मैरिज करेंगी लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, सूर्य की अंतरदशा में हो सकता है जी कि आप लव मैरिज की जब सूर्य की महादशा चले माफ़ कीजिएगा अंतरदशा उस टाइम पे हो सके जी कि आप कहीं लव मैरिज करने का सोचें तो अच्छा रहे, और शुक्र भी यहाँ पे डाउन है,
बेहतर तो यही रहेगा जी कि आप रिलेशनशिप में रहें किसी के साथ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वो आपको गाइड अच्छा करेगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में किसी के साथ रहती तो अच्छा है, लेकिन ये इंडियन सोसाइटी में मुझे लगता है जी कि ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप मैरिज पर जाती हैं तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे पंचम स्थान का मालिक बहुत अच्छी जगह पर बैठा है, और हो सकता है जी कि आपको किसी बाहर अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल की और केतु की वजह से मैरिज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको आप सॉर्ट आउट करना चाहें तो किसी पंडित से करवा सकते हैं, बट इन सब चीज़ों में सॉर्ट आउट करने का कुछ फ़ायदा होता नहीं है, इन द एंड दिक्कत आती है। बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, अगर हूँगा तो मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, बिकॉज़ मैं हमेशा चाहूँगा जी कि किसी का अच्छा ही हो, ठीक है। तो अगर आपका जो मन है वो अगर आप इसमें जाता है तो ये ज़रूर करके देखिएगा, बट सावधानी में करिएगा, ठीक है। तीसरी कुंडली पे चलते हैं। बहरहाल तीसरी कुंडली ममता जी की है। ममता जी ने आपने मुझसे दो सवाल के, आपने एक ही आप फ्री कुंडली चार्ट में 3 सवाल नहीं, 2 सवाल पूछे जाते हैं, आपने कई सारे सवाल पूछे हैं इसका, लेकिन मैं इसमें से चॉइस करूंगा। मैरिज का पूछा था आपने, हायर एजुकेशन का पूछा है, गवर्नमेंट जॉब का पूछा है, तो मैं आप इसमें से मेरी चॉइस अभी होती है कि मैं कौन से सवालों के जवाब देता हूँ। तो पहली सवाल का जवाब देता हूँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप ट्राई कर सकती हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कोशिश करेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको अपना शनि मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप किसी फील्ड में अगर आप जॉब ढूंढ रही हैं तो वो जॉब जो होगी वो आप कोशिश ये करिएगा जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कोई भी लग्जरी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें अगर गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रही है तो अच्छा है, उसमें अगर कोई कंपिटेटिव एग्जाम्स होता है तो ठीक है। इसके अलावा जैसे वाटर रिलेटेड कोई जल विभाग या ऐसी जगहों पर कोई हायर पोस्ट होते हैं तो उसमें आप ज़रूर कोशिश कर सकती हैं। पॉइंट दूसरा ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपिटेटिव एग्जाम देने के बाद ही आपको सक्सेस मिलने के चांसेस ये हैं। गवर्नमेंट जॉब बनने के अच्छे चांसेस बनते हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, अच्छा चांसेस है। अगर आप अभी कोशिश करेंगी तो जरूर अच्छा मिलेगा। अगर आपने अभी कोशिश करना शुरू कर दिया, क्योंकि मंगल की महादशा चल रही है तो इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने बर्थ प्लेस से दूर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं या अपने बर्थ प्लेस से दूर अगर आप जॉब सर्च करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, या आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अपने बर्थ प्लेस के पास में आपको जॉब मिलने के चांसेस कम है। दूसरा पॉइंट, आपने जो एजुकेशन के रिलेटेड पूछा, आप एजुकेशन कभी भी ले सकती हैं, आपकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु आपके भाग्य स्थान पर बैठा है और एजुकेशन का मालिक होके बैठा है। जब जब गुरु की महादशा अंतरदशा लगेगी तो आप एजुकेशन में, आप अपने लिए एजुकेशन ले सकती हैं और एजुकेशन में आपको ग्रोथ मिलेगा। वैसे भी अगर आप कंपिटेटिव एग्जाम्स या ऐसी चीज़ों में आप जा रही हैं तो ऑब्वियसली आपको एजुकेशन आपको लेते रहना पड़ेगा, आप पढ़ते रह सकती हैं। गुरु के भाग्य स्थान में बैठने के कारण आपके लिए अच्छा है। क्लरिकल जॉब या कोई भी सर्वेंट रिलेटेड अगर कोई भी लाइक लोअर डिवीजन की कोई जॉब्स है अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पे डाउन है, भाग्य स्थान में बैठा है लेकिन डाउन है। अगर वो इस कारण में आपको शनि मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रही हैं या आप कुछ ऐसा रिलेटेड लाइक आर्टिस्टिक रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रही हैं या मेडिकल रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रही हैं या सर्विस रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रही हैं तो उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। बर्थ प्लेस से दूर अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो भी, और अगर किसी और प्रोफाइल के लिए भी अगर अप्लाई करती हैं तो भी। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात में मेरी रीडिंग आपको समझ में आ रही होगी। और एजुकेशन रिलेटेड में मैं यही बोलूँगा जी कि आपका एजुकेशन आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं। गुरु भाग्य एजुकेशन का मालिक होकर पाकिस्तान पर बैठा है तो अच्छा रहेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डीप डीप कोई एजुकेशन ले, जैसे मेडिकल हो गया या इंजीनियरिंग हो गया। वैसे तो मेरे हिसाब से मेडिकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहता, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई भी एजुकेशन अगर आप ले रही हैं तो वो उसकी डीप स्टडी करिएगा, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसी एजुकेशन जो डीप स्टडी के लिए इन्फ्लुएंस करती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, लीगल लॉ या मेडिकल या ऐसी कोई चीज़ें जिसमें डीप स्टडी होती है, ऐसी चीज़ों पे अगर आप कुछ फोकस करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन से आपको अच्छा मदद मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ आपको बर्थ प्लेस से दूर होगी तो ही अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रीडिंग समझ में पसंद आई होगी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।